फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे। ये गाड़ी देख रहे हैं हुंडई का टुसॉन और ये फोर व्हील ड्राइव है, 2022 लॉन्चिंग है। और ये जो गाड़ी अभी हम टेस्ट ड्राइव इसका लेंगे और पूरा फीडबैक हम आपको अपडेट करेंगे गाइस, क्या है कंफर्ट, क्या माइलेज, मतलब कितना इंजन, कितना टॉर्क, अभी सारा इस वीडियो में आपको अपडेट करेंगे। तो इस वीडियो में आप बने रहें। और यहाँ अगर यदि सामने की बात करेंगे तो डायमंड कट्स अलॉय व्हील जो कि काफ़ी मस्कुलर्स को फील करवाता है। हालांकि जो टायर का साइज़ है वो आपका 18 इंच का टायर है, आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे टायर का साइज़ आपको दिया हुआ है 235/60R18। मतलब अगर यदि बात करेंगे तो गाड़ी में 360 कैमरा तो कंपलसरी है। 360 कैमरा अगर यदि इतनी महंगी आप गाड़ी ले रहे हैं तो 360 कैमरा जाहिर सी बात बहुत अच्छा है। अगर यदि यहाँ पे बात सामने की बात करेंगे तो डार्क क्रोम ग्रिल मिलता है, जो कि इसी में डार्क क्रोम ग्रिल में आपका DRL छुपा हुआ है गाइस, जो कि 5 DRL है, 1 2 3 4 5, 5 DRL इधर, 5 DRL इधर। मतलब गाड़ी जब चलती है तो काफ़ी ज़्यादा, हालांकि ये गाड़ी इंपोर्टेड गाड़ी मतलब है, इसका गाड़ी इधर कोई कंपटीटर नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ कंपटीटर है इंपोर्टेड गाड़ी। तो सबसे पहले आपको यहाँ से पुश बटन से लॉक कर लेनी है, लॉक अनलॉक का यहाँ सिस्टम हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे आपका सारा फीचर्स आपको इधर अपडेट मिल जाता है, जो कि हालांकि टुसॉन मैनुअल में नहीं आता है, ऑटोमेटिक में ही आता है। तो आप बने रहें, सबसे पहले तो हम गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। पुश बटन काफ़ी प्रीमियम यहाँ पे दिया हुआ, आप देख सकते हैं, मतलब प्रीमियम गाड़ी ही है सर। फुल पैनारोमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड, हीटिंग एंड कूलिंग दोनों, 6 एयरबैग। और गाड़ी में जो सबसे प्लस पॉइंट्स है वो अडास फीचर्स है। इस अगर यदि आप ड्राइविंग करते समय आपको नींद भी आ जाए तो यानी कि गाड़ी आप ऑटोमेटिक आपको 5-6 किलोमीटर आगे ले जाकर पार्किंग कर देगी। मतलब अडास फीचर्स है तो बहुत अच्छा फीचर्स है अडास फीचर्स। यहाँ पे बात कर लेंगे तो वायरलेस चार्जर वगैरह सारा यहाँ पे, वेंटिलेटेड सीट का, हीटिंग एंड कूलिंग का दिया हुआ है, ड्राइव ट्रांजेक्शन, ड्राइव मोड 3 मोड में, इको मोड, स्पोर्ट मोड और नॉर्मल मोड, इको मोड, कंफर्ट मोड और नॉर्मल मोड। तो अभी आप देख सकते हैं अगर यदि डिस्प्ले की बात करेंगे तो काफ़ी प्रीमियम यहाँ पर डिस्प्ले आपको देख, जब गाड़ी जब इधर आपको सारा सॉफ्ट टच है, गाड़ी प्रीमियम ही है सर, तो प्रीमियम ही है। और ये अगर यदि यहाँ पे बात करेंगे ड्राइविंग एक्सपीरियंस की तो खैर वाकई में बहुत अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। अभी हम आपको ये कर सीट बेल्ट लगा लेते हैं, तो हम यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पे आर्म रेस्ट भी बहुत कंफर्टेबल है। अगर यदि यहाँ सीट की बात करेंगे गाइस तो यहाँ ये रिक्लाइन कर सकते हैं और यहाँ से ही आप को ड्राइवर साइड रिक्लाइन एंड ये कर सकते हैं। और कूल ग्लव बॉक्स इसके अंदर भी यानी कि प्रोवाइड किया हुआ है, कूल ग्लव बॉक्स इसके अंदर नहीं है गाइस। तो फाइनली जो गाड़ी का एक और प्लस पॉइंट, अगर यदि एसी से आपको सर दुखता है या ये कर सकता है तो आप यहाँ डिफ्यूज़ करके आप एसी का ये कर सकते हैं, जो कि केबिन के चारों साइड से आपको एसी का हवा निकलता है, कहीं एक जगह से नहीं निकलता है, मतलब पूरे केबिन में आपको एसी के हवा सामने से नहीं मिलेगा गाइस। तो आप देख सकते हैं हम फाइनली यहाँ से निकल गए हैं। और जो जब जितना आप एक्सीलेटर दबाते हैं ना, वो फील आपको जो होता है कि एक्सीलेटर दबाने के बाद, तो उससे ज़्यादा हमें पावर मिलता है जितना सोच के हम ये एक्सीलेटर दबाते हैं। तो गाड़ी खैर अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फीचर्स है गाड़ी का, वाकई में बहुत अच्छा लुक्स और बहुत अच्छा कंफर्ट ये में है। अगर यदि आप सर रोड पे चल रहे, अगर साफ वर्ड में कहे तो रोड पे आप चल रहे हैं तो आपसे कंफर्ट कोई रोड पे है ही नहीं। आप कंफर्ट क्या मतलब, आपसे प्रीमियम कोई रोड पे है ही नहीं, ऐसा फील आने वाला है इस वीडियो, इस गाड़ी में। और जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है, यही मकसद है कि ये जो गाड़ी प्रीमियम गाड़ी है और ऊपर में फोर व्हील ड्राइव है, ऊपर से अगर यदि चारों डिस्क ब्रेक है, अगर यदि क्लस्टर की बात करेंगे तो अगर यदि हम लेफ्ट इंडिकेटर लेंगे तो दोनों साइड ORBM पे फ्रंट में एंड रेयर में कैमरा लगा हुआ है। अगर यदि मैंने लेफ़्ट लिया तो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे आपको क्लस्टर में ही, डिजिटल क्लस्टर है तो उसी में ही आपको कैमरा का ये शो करता है।
मतलब जो है ना गाड़ी का कंफर्ट वाकई में बहुत अच्छा है सर। अगर यदि 4-5 लोग पैसेंजर जर्नी कर रहे हैं, लॉन्ग जर्नी कर रहे हैं, अगर यदि 4,000-5,000 किलोमीटर कंटिन्यू अगर यदि आप चल रहे हैं और हिली स्टेशन पे चल रहे हैं, तो कसम से ये गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये गाड़ी हालांकि थोड़ा कॉस्टली है, अगर यदि एक शोरूम की बात करेंगे तो एक शोरूम 40 लाख रुपया समथिंग ऐसे होता है, बाकी स्टेट बाई आपको ऑन रोड जुटेगा। तो ये गाड़ी और ऊपर से हाई डिमांडेबल गाड़ी है, इसका वेटिंग भी आ रहा है, 4 से 5 महीने का वेटिंग आ रहा, हालांकि बुकिंग बहुत तेज़ी से हो रहा है इस गाड़ी का। और बुकिंग करने के साथ साथ जो होता है ना सर, वो गाड़ी का जो लगाव, जो एक बार लोग देखते हैं, टेस्ट ड्राइव लेते हैं इसका, वाकई में इस गाड़ी से लगाव, अगर यदि आप म्यूजिक सिस्टम के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो इसमें वो भी म्यूज़िक सिस्टम आपको दिया गया है, बॉस का प्रीमियम साउंड सिस्टम दिया गया है। अगर यदि आप म्यूज़िक के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो आप बॉस का ये, इसका साउंड क्वालिटी वाकई में बहुत रिफाइनली बहुत अच्छा है। अगर यदि इस सेगमेंट की बात करेंगे, 2.0 लीटर इंजन है और 2000 cc की गाड़ी है ये। और जो यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन में ये गाड़ी नहीं आती है, टुशान ऑटोमेटिक में ही आती है। तो अगर यदि आप इसको अडास फीचर्स, अगर सामने से कुछ ये नहीं कर सकते, अडास फीचर आप सामने से कुछ भी आ जाए तो ऑटोमेटिक आपकी गाड़ी ब्रेक ले लेगी। अडास फीचर्स का यही है, अगर यदि आपको ऑन द वे कहीं चलते हुए आँख झप भी गया तो ये गाड़ी आपको कंट्रोल कर लेगी। मतलब क्या बोलते हैं कि इस गाड़ी से अगर यदि हैं तो लोगों का जान जाने का मतलब एकदम माइनर चांस है, एकदम जा ही नहीं सकता है, क्योंकि गाड़ी में सेफ्टी है। और दूसरी बात, हुंडई जो ये गाड़ी में काम किया है, हालांकि पिछले बार जो टुसॉन थी उस गाड़ी से बेहतर और बेहतरीन परफॉर्मेंस और माइलेज के बारे में बात करेंगे तो माइलेज खैर वाकई में बहुत अच्छा है। अभी हम आपको माइलेज की बात करेंगे तो 13.6 का गाड़ी एवरेज निकाला है पर लीटर, मतलब 13 का माइलेज, 14.5, मतलब 14 का माइलेज आपको गाड़ी देगा ही देगा। और 14 का माइलेज अगर यदि आपने XUV यूज़ कर रहा है, प्योर XUV, प्रीमियम XUV जिसको बोला जाता है, वो अगर यदि वो इतना माइलेज दे रहा है तो वेल एंड गुड। अगर यदि हम यहाँ पे बात करेंगे ब्लू लिंक, तो इस गाड़ी में ब्लू लिंक का भी फीचर्स आपको मिल जाता है, जो कि ब्लू लिंक से आप 60+ फीचर्स आप अपने स्मार्टफोन से ऑपरेट कर सकते हैं। AC देखिए, यहाँ से AC का जो नोब है ना सर, मगर वाकई में बहुत ही अच्छा है। अगर इधर हम बात करेंगे तो पूरा सॉफ्ट टच है, यहाँ पे आपका कुछ लेदर यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लेदर यूज़ किया गया है चारों गेट पे। अगर यदि सीट की हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं सीट, हालांकि काफ़ी प्रीमियम सीट भी है। और दूसरी बात कि अगर यदि हम मिरर पे आप देख रहे हैं, अगर यदि साइड से कोई आ रहा तो वो मिरर पे आपका इंडिकेट करेगा, रेड जो जल रहा है वो आपको मिरर पे इंडिकेट करेगा। अगर यदि और भी कोई नज़दीक से आपको आगे से या पीछे से सटता है तो गाड़ी ऑटोमेटिक आपका स्टीयरिंग लेफ्ट है, लेफ्ट से सट रहा है तो राइट करेगा, राइट से सट रहा है तो लेफ्ट करेगा। तो अडास फीचर्स है, बहुत अच्छा फीचर्स है ये। अगर यदि हम AC का बात करेंगे तो AC खैर वाकई में बहुत ही अच्छा है। AC तो खैर हुंडई की सारे गाड़ी में अच्छा है, AC का तो यानी कि ज़बरदस्त है। अगर स्टीयरिंग की बात करेंगे तो स्टीयरिंग पे भी काफ़ी सारी अच्छी फीचर्स आपको, क्रूज कंट्रोल वगैरह, MID मोड, वॉइस कमांड, ये सब आपको फीचर्स मिल जाते हैं। अगर इसका और ब्रेकिंग और हैंडलिंग इसका इतना ज़बरदस्त है कि हम क्या बताएं सर, बहुत ही अच्छा है, ज़बरदस्त इसका हैंडलिंग एंड ब्रेकिंग है। हुंडई दो ही चीज़ पे ज़्यादा काम करती है, हैंडलिंग एंड ब्रेकिंग, जो कि आपको सेल्फ ड्राइव, और दूसरी बात कि जो हुंडई बिल्ड क्वालिटी देता है वो बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी देता है। बिल्ड क्वालिटी उस समय काम आती है जब आपकी गाड़ी, भगवान न करे कभी किसी के साथ हो, मगर जब क्रैश गाड़ी होती है या एक्सीडेंट होता है तो उस समय आपको गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी पता चलता है। आदमी का थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी के कारण जान चल जाता है सर, तो आप गाड़ी लेते समय बिल्ड क्वालिटी का ज़रूर ये करें जिसका रेटिंग हो। और इसका 5-स्टार रेटिंग है, सेफ्टी रेटिंग 5-स्टार दिया गया है, हालांकि 5-स्टार इतना महंगा गाड़ी है, 5-स्टार रेटिंग तो होना ही चाहिए।
और दूसरी बात, ये 6 एयरबैग है तो मतलब गाड़ी में फुल सेफ्टी, सेफ्टी के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ हुंडई वालों ने नहीं किया है, बहुत अच्छा सेफ्टी किया है। अगर यदि हम यहाँ स्पेस की बात करें तो आप देख सकते हैं लेग स्पेस वाकई में बहुत अच्छा है। गेट के पास काफ़ी सॉफ्ट टच एंड लेदर यूज़ किया गया है, ब्लैक फिनिश में जो दिया गया है काफ़ी गुड्स फिलिंग के लिए आपको ब्लैक में दिया गया है गाइस। तो अगर यदि यहाँ पे अगर यदि पीछे के लोग जा बीच अगर यदि पीछे लोग बैठे हैं तो पीछे में आपका आर्म रेस्ट भी दिया गया है, आप देख सकते हैं आर्म रेस्ट है वो। अगर यदि दो लोग हैं तो कंफर्ट जोन में आप पैसेंजर कर पाएंगे। और ये स्पेशल लॉन्ग जर्नी के लिए है, सिटी वगैरह के लिए ये गाड़ी नहीं है सर। सिटी में इसको आप मतलब बड़ी गाड़ी है तो सिटी में इसको ना यूज़ करें, कम यूज़ करें अगर यदि आपने गाड़ी ले लिया है तो। अगर ऑन द वे अगर यदि आप लेते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है ये गाड़ी चलाकर। और इस गाड़ी का आप देख सकते हैं सीटिंग का जो यहाँ पे सेट दिया गया है वो बहुत ही अच्छा दिया गया है, मतलब गाड़ी तो प्रीमियम है ही इसमें नो डाउट। और हमें बहुत ही वाकई में बहुत ही अच्छा लगा ये गाड़ी चला के। और टॉर्क जो है ज़रूरत से ज़्यादा टॉर्क और ज़रूरत से ज़्यादा पावर जो इंजन देता है वो इसमें आपको मिल जाता है गाइस। अगर यदि ये आप देख रहे हैं सिंबल यहाँ पे दिया गया है, जब हवा कम है तो वो इंडिकेट्स करते हैं और कुछ नहीं। तो यानी कि फाइनली ये गाड़ी हमको बहुत ही अच्छा लगा चलाकर। और आपको कैसा लगा तो इस वीडियो पे आप अगर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। वाकई में बहुत अच्छा है ये गाड़ी। और माइलेज की बात करें तो माइलेज हम आपको दिखला ही दिए, माइलेज वाकई में बहुत अच्छा है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।